7:35 हो चुका है और मैं बना रही हूँ, खाना बनाने का टाइम हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया 7:30 का और खाना बनाने का, तो आपको ले चलती हूँ मैं किचन में, वहीं पर दिखाती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ, और आप तब तक आप वीडियो देखते रहे। यहाँ पर मशरूम में डालने के लिए प्याज तैयार है और साथ में खाने के लिए आटा भी तैयार है, यानी रोटी खाने के लिए। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए मेन चीज़ मशरूम। मशरूम लाती हूँ, मशरूम ये है इतना सारा, ये तो बहुत ज़्यादा होगा, इसमें से मैं थोड़ा सा निकालूँगी। तो बहुत ज़्यादा है मशरूम, थोड़ा सा निकाल के इसको वॉश कर लेते हैं थोड़े से गुनगुने पानी में। कल तक तो ये वाइट वाइट थे, आज थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है। उसको मैं वॉश कर लेती हूँ थोड़ी सी गर्म पानी से। यहाँ पर मशरूम को मैंने धोने के बाद थोड़ा ड्राई कर लिया है, अब इसको हम कट कर लेंगे। इसको दो ही पार्ट में कट करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये श्रिंक होके छोटा हो जाता ना, इसलिए इसको टू पार्ट में इसको कट करेंगे हम। इस तरीके से कट करके रख लेंगे, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाना, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये जो है ना बड़े वाले, इसको दो कट करो, इसको बीच में से एक एक कट कर देना। ये इसमें से बड़े बड़े हैं, जो जो छोटे साइज़ हैं वो ठीक है, वो बाकी इसमें डाल देना। हाँ, बड़े वाले को चार पीस में कर देना। यहाँ पर काटिए दो हरी मिर्च, और ये भी कट चुका हमारा। और यहाँ टमाटर, दो टमाटर मैंने कद्दूकस करके रखे हैं। प्याज है और थोड़ा सा लहसुन है और थोड़ा अदरक, और धनिया भी हम काट लेते फटाक से, फिर करते हैं बनाने की तैयारी। वो इसलिए ना कि गैस सब कुछ प्रिपेयर होना, फटाक से बन जाता है, जल्दी से हम अपनी जो जो हमने इसमें डालना है वो सब तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे फटाफट फ्राई। जीरा, जीरा के बाद हम डालेंगे गार्लिक, तो गैस यहाँ पर हो रही है धनिया कटाई, जल्दी से काटो फटाफट। और पहले एक हरी मिर्च दे दें, दो मिनट रुके, हरी मिर्च हाय बोल। हाय, ऐसा हाथ तो हिला रहे बन ना। हाय, इसमें डाला हमने जिंजर, उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हल्दी और नमक और मिर्च हमने डाल दिया है, और इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको फिर जैसे ही थोड़ा सा भून जाए, हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर। तो हमने टमाटर डाल दिया है, और इसको मिक्स करके इसको फ्राई करना है। जब तक टमाटर का पानी सूख नहीं जाता, हमें इसको फ्राई करना है। तो गाइज़ यहाँ पर धनिया कट चुका, रोटी तैयारी कर लेते हैं। आटा तैयार है हमारा, फटाफट रोटी बनाते हैं। और एक तरफ से बन रही है सब्जी, तो टाइम बचाने के लिए मैं साइड में बनाना शुरू करती हूँ रोटियाँ। मिक्स कर लेते हैं, गाइस ये डाल दिया हमने मशरूम। अब इसको अच्छे से तेज आंच में इसको हम भून लेंगे। तो गाइस देखिए कलर इसका।
गाइस रोटियां हो गई हमारी तैयार, गर्मा गर्म रोटी। तो गाइस ये तैयार, हम इसको गैस कर देते ऑफ और हम इस पे करते हैं। इसमें थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने डाल रही हूँ धनिया। तो गाइस ये हमारा फाइनल लुक मशरूम का। तो गाइस अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना और ट्राई करिए, और आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।